हम मैं क्या बनूं नामक अध्याय पढ़ रहे थे, जो आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक प्रतिभा का दूसरा अध्याय है। पिछली वीडियो में हम पाठ पढ़ चुके हैं तथा शब्दार्थ भी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ अभ्यास देखते हैं। अब हम कुछ मौखिक प्रश्न देखते हैं जो पाठ के आधार पर आपको बताने हैं। तो पहला प्रश्न है, हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। तो पाठ हमने पढ़ा है, तो पाठ के आधार पर बताना है कि हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। तो हम सच्चाई का साथ देकर अच्छे इंसान बन सकते हैं, या दूसरों की भलाई करके या सच बोलकर हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। आगे है, पलक टीचर क्यों बनना चाहती थी। पलक टीचर क्यों बनना चाहती थी। पलक टीचर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि पलक को लगता है कि एक अच्छी टीचर अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी कहानियाँ सुनाती है और बच्चों को बहुत प्यार करती है। इसलिए पलक क्या बनना चाहती थी, टीचर। अगला है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। ठीक है, ये आपको खुद करना है। एक बार फिर से देखते हैं, हम कै और खे वाला कै, हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। ठीक है, हम अच्छे इंसान सच्चाई का साथ देकर तथा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करके बन सकते हैं। ठीक है, पलक टीचर क्यों बनना चाहती थी। तो पलक टीचर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि पलक को लगता था कि एक अच्छी टीचर अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी कहानियाँ सुनाती है और बच्चों को बहुत प्यार करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं लिखित प्रश्न। ठीक है, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। एक अच्छी टीचर वह होती है जो एक अच्छी इंसान हो। ठीक है, इनमें से भरने हैं यहाँ पर। ये चोट तो छू मंतर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तुम्हारे बालों की पिन तो बहुत सुंदर है। तुमने सच बोलने का साहस किया। ठीक है, खाली स्थान भरने थे। एक अच्छी टीचर वह होती है जो एक अच्छी इंसान हो। ये चोट तो छू मंतर हो जाएगी। तुम्हारे बालों की पिन तो बहुत सुंदर है। तुमने सच बोलने का साहस किया। ठीक है, अगला है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या है, अच्छी नर्स कौन होती है। तो अच्छी नर्स वो होती है जो अच्छी इंसान हो तथा सबका प्यार से इलाज करे। ठीक है, सबको प्यार से दवा लगाए और एक अच्छी इंसान हो जो सच्चे मन से दूसरों की सेवा करे, वो अच्छी नर्स होती है। अगला है, घर आकर पलक बार बार क्या सोच रही थी। तो घर आकर पलक क्या सोच रही थी बार बार, कि मुझे नीना की पिन लौटा देनी चाहिए, जो पिन उसने लालच में आकर अपने पास रख ली थी। ठीक है, पलक को वह पिन सुंदर लगी थी, इसलिए उसने उस पिन को अपने पास रख लिया। लेकिन जब वह घर लौटी तो वो बार बार सोच रही थी कि मुझे नीना की पिन वापस लौटा देनी चाहिए। अगला है, अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा किसका साथ देना चाहिए। तो अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए तथा ईमानदारी से सभी कार्य करने चाहिए। ठीक है, अगला है, यदि आप पलक की जगह होते तो उस पिन का क्या करते। यदि हम पलक की जगह होते तो उस पिन को वापस लौटा देते। ठीक है, क्या करते, उस पिन को वापस
लौटा देते। एक बार फिर से देख लेते हैं, अच्छी नर्स कौन होती है? अच्छी नर्स वो होती है जो एक अच्छी इंसान हो, जो सच्चे मन से दूसरों की सेवा करती हो। ठीक है, अगला है, घर आकर पलक बार बार क्या सोच रही थी? तो घर आकर पलक बार बार सोच रही थी कि मुझे नीना की पिन लौटा देनी चाहिए। अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा किसका साथ देना चाहिए? अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए तथा अपने कार्य ईमानदारी से पूरे करने चाहिए। अगला है, यदि आप पलक की जगह होते तो उस पिन का क्या करते? यदि हम पलक की जगह होते तो उस पिन को वापिस लौटा देते। अगला है, सही जगह पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर लिखिए। तो शीरो रेखा के ऊपर जो बिंदु होती है वो अनुस्वार होता है, और जो शीरो रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु होती है वो अनुनासिक होता है। तो सुदरे इस पे हमें लगाना है सुंदर, अनुस्वार बनूंगी हमने लगाया यहाँ पर अनुनासिक, पसंद यहाँ लगाया अनुस्वार, छूमंतर यहाँ भी क्या लगाया अनुस्वार, कहानियाँ चंद्र बिंदु। कोई भी शब्द हो जब हम उसको बहुवचन बनाते हैं और ई की मात्रा है आखिर में, जैसे कि यहाँ है कहानी, हम इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो जो ये ई की मात्रा है ये छोटी हो जाएगी, और या लगा कर बनाएंगे और जहाँ भी या लगेगा वहाँ लास्ट में चंद्र बिंदु लगेगी, कहानियाँ। ठीक है, एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, जैसे कि मान लो सखी है, सखी, और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, सखियाँ सखियाँ, और यहाँ लग जाएगा चंद्र बिंदु। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लेते हैं, नारी। ठीक है, और जब इसका बहुवचन बनाएंगे हम तो ये जो ई की मात्रा है यहाँ पर ये छोटी, नारी या लग के चंद्र बिंदु, नारियाँ। ठीक है, आगे है चांद, चांद पे लगाया हमने चंद्र बिंदु। आगे हम देखते हैं, वर्णों से मिलकर शब्द बनता है जैसे के ए मै ए ले ए, क्या बन गया, कमल। जैसे के में ए मिला तो के, मैं में ए मिला तो मैं, ले में ए मिला तो ले, और जो ये के नीचे हलंत लगा रखा है, के नीचे जो ये दिख रही है ना आपको डंडी, इसको क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ए व्यंजन ए स्वर नहीं मिला हुआ है। ठीक है, और जब हम क में ए मिलाते हैं तो क बन जाते हैं, मैं में ए मिलाएंगे तो मैं हो जाएगा, और ले में ए मिलाएंगे तो ले हो जाएगा, क मैं ले। ठीक है, ऐसे ही एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि आगे दे ही रखे हैं उदाहरण, तो आगे देखते हैं, जैसे पै ए, पै में ए मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पै, ले में ए तो ले पूरा, और कै में ए मिलाएंगे तो कै पलक। ठीक है, इससे हमने मिला दिया पलक। अगला है दे आ दा, तो क्या बन गया, दा दा, ने बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा, नी ने में आ मिलाया तो ना, क्या बन जाएगा, नीना। अगला है पै ए, पै ई सॉरी, तो छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे हम, ने में ए मिला तो ने, क्या बन गया, पिन। ठीक है, अगला है जब हम बै में ए मिलाएंगे तो बै, से हलंत है, इसके आगे ए नहीं है तो इस से को हम आधा लिख देंगे,
तय और ए है, तो ए की तय लिख दिया और ए की हम मात्रा लगा देंगे, बस्ते। क्या बन जाएगा? बस्ते। ठीक है, आगे है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे एक वचन लड़का, नदी, बहुवचन लड़के, नदियाँ। तो क्या बताना चाहता है यहाँ पर कि शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई चीज़ या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति एक है या एक से ज़्यादा है, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का शब्द से पता चल रहा है कि एक ही लड़का है, और जब इसका वचन बदल देते हैं लड़के, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा है। नदी, नदियाँ, ठीक है। जैसे कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे, अच्छा, अच्छे, दवाई, दवाइयाँ, ठीक है। जो बात हमने ऊपर बताई थी वो यहाँ भी लागू हो रही है। दवाई, ई बड़ी है, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ ई छोटी होगी और या लग के क्या लग गया? चंद्र बिंदु। कहानी, कहानियाँ, ठीक है, ऐसे ही इसमें है। छुट्टी, छुट्टियाँ, ऐसे ही इसमें है, ठीक है। तो किसे कहते हैं वचन? इस शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसको हम वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या है? एक वचन, और दूसरा क्या है? बहुवचन, ठीक है। अब वचन बदलो, तो जो शब्द, जो यहाँ दिए गए शब्द हैं उनको बहुवचन रूप में लिखना है हमें, ठीक है। दिए गए शब्दों को बहुवचन रूप में लिखिए। तो जो शब्द यहाँ दे रखे हैं इनका हमें बहुवचन बनाना है। कपड़ा क्या है? एक वचन, कपड़े बहुवचन, बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन, अच्छा अच्छे, दवाई दवाइयाँ, कहानी कहानियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, ठीक है। एक वचन एक का बोध कराता है और बहुवचन एक से ज़्यादा का बोध कराता है, ठीक है। अब हम देखते हैं किसका संबंध किससे है। चित्र देखकर मिलान कीजिए, तो ये चित्र किसका है? डॉक्टर का। तो डॉक्टर का संबंध किससे है? अस्पताल से, ठीक है। ये कौन है? डाकिया। तो डाकिये का संबंध किससे है? डाकिये का संबंध है चिट्ठी से, ठीक है। अगला है ये फोटो अध्यापक का, तो अध्यापक का संबंध ब्लैक बोर्ड से। अगला है दर्जी, तो दर्जी क्या करता है? सिलाई करता है, तो दर्जी का संबंध किससे है? सिलाई मशीन से, ठीक है। डॉक्टर कहाँ काम करता है? अस्पताल में। डाकिया क्या काम करता है? तो चिट्ठी बांटने का काम करता है। अध्यापक क्या करता है? पढ़ाता है, तो कहाँ पढ़ाता है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है। और दर्जी क्या करता है? सिलाई करता है, तो सिलाई किससे करता है? दर्जी सिलाई मशीन से करता है, ठीक है। ये था हमारा आज का अध्याय। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।